नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। सौरभ गांगुली जिनकी शख्सियत इतनी आक्रामक थी कि वो जब क्रिकेट खेलते तो लोग टीवी पर केवल उनके हाव भाव ही देखते रहते थे। वो टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया की छवि को एकदम से बदल डाला था। कप्तानी करने के दौरान टीम इंडिया को उन्होंने विरोधी टीम पर हावी होकर खेलना सिखाया था। दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर सौरभ गांगुली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। अपने करियर के दौरान दादा ने कई कीर्तिमान रचे, लेकिन उनका नाता विवादों से भी खूब रहा। हाल ही में रवि शास्त्री ने सौरभ के साथ हुए अपने विवाद पर दिल खोलकर बात की, तो हमने सोचा कि आपको दादा के ऐसे ही 8 विवादों से रूबरू कराते हैं जो सुर्खियों में रहे और खूब जोर शोर से उठे। इन विवादों से दादा की छवि पर भी खूब असर पड़ा, तो कई दफा उनका रुतबा भी देखने को मिला। तो चलिए बताते हैं आपको प्रिंस ऑफ कोलकाता से जुड़े विवाद। रवि शास्त्री के साथ विवाद। रवि शास्त्री ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जब 2007 में टीम इंडिया का मैं मैनेजर हुआ करता था, तो उस समय गांगुली के बिना ही टीम बस को लेकर अभ्यास के लिए मैं रवाना हो गया था। सौरभ गांगुली को बस तक आने में थोड़ी देर हो गई थी, जिसके बाद मैंने बस ड्राइवर को गांगुली के बिना ही चलने के लिए बोला था। भारतीय टीम को अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए चटगांव रवाना होना था और बस 9 बजे की थी, लेकिन तभी स्थानीय मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ ने बताया कि थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा क्योंकि सौरभ गांगुली अभी तक नहीं आए। लेकिन रवि शास्त्री कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया, दादा को छोड़ो, वह कार से आ जाएंगे। इसके बाद टीम इंडिया सौरभ गांगुली के बिना ही प्रैक्टिस के लिए निकल गई, जिसके बाद ये विवाद काफ़ी बड़ा हो गया। सौरभ गांगुली ने इस पर खूब बखेड़ा खड़ा किया। ये पूरा मामला काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा था। इसके अलावा साल 2016 में BCCI ने कोच के चयन प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और VVS लक्ष्मण थे। इस समिति की सिफारिश पर अनिल कुंबले को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था। कोच के लिए रवि शास्त्री ने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन शास्त्री के इंटरव्यू के दौरान सौरभ गांगुली मौजूद नहीं थे। वो इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, क्योंकि शास्त्री बैंकॉक में थे। रवि शास्त्री ने कहा कि इंटरव्यू में सौरभ ने ना आकर मेरा अपमान किया है, जिसका गांगुली ने बखूबी जवाब देते हुए कहा, अगर मैं मौजूद नहीं था तो वो भी मौजूद नहीं थे, वो बैंकॉक में मस्ती कर रहे थे और छुट्टियां बिता रहे थे और यहां पर कोच पद के लिए इंटरव्यू देने आए थे। शादीशुदा होने के बाद भी एक्ट्रेस नगमा से जुड़ा नाम। सौरभ गांगुली भारतीय टीम के सबसे हैंडसम खिलाड़ियों में से एक थे। लड़कियों में इनकी फैन फॉलोइंग गजब की थी। शादीशुदा होने के बावजूद गांगुली का नाम एक बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जुड़ा। ये खबर आते ही सुर्खियों में छा गई। यहाँ गांगुली का नाम अभिनेत्री नगमा के साथ जुड़ा, खूब हो हल्ला मचा। हालांकि बाद में इस खबर को उनके परिवार ने झूठा करार दे दिया था, लेकिन तब तक ये मामला खूब बड़ा हो चुका था और मीडिया में खूब छाया रहा था। टॉस के लिए देरी से आना। सौरभ गांगुली अपने आप में सबसे एटीट्यूड वाले खिलाड़ी थे। सही मायने में वो प्रिंस थे और उनकी दादागिरी थी। एक ऐसी ही दादागिरी वाला किस्सा उनका ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवा के साथ है, जहां दोनों के बीच खूब तनातनी हुई। स्टीवा का कहना था कि भारतीय कप्तान गांगुली जानबूझकर मैदान पर देर से आते हैं और टॉस में लेट करते हैं। स्टीवा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांगुली उन्हें परेशान करते थे और अक्सर टॉस के लिए देरी से आते थे। गांगुली के इस रवैये से स्टीवा परेशान हो गए थे, लेकिन दादा अपने मन से ही टॉस के लिए जाते थे, मतलब एकदम रुतबे में। सौरभ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मनमानी की ही, जब IPL आया तो वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। दरअसल IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच के दौरान गांगुली देर से टॉस के लिए पहुँचे। इस पर राजस्थान रॉयल्स के तत्कालीन कप्तान शेन वॉर्न इतना गुस्सा हो गए कि मैच के बाद उन्होंने गांगुली पर जमकर भड़ास निकाली थी और खूब खरी खोटी सुनाई थी। साथ ही इसकी शिकायत भी IPL की गवर्निंग काउंसिल से कर दी थी। लॉर्ड्स बालकनी में टी शर्ट निकालना। साल 2002 की बात है, हाँ वही साल जब अंग्रेजों को हमने उनकी औकात बता दी थी। नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल मैच लॉर्ड्स में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच खेला गया था। भारत को 326 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, जिसे सभी असंभव मान रहे थे।
लेकिन गांगुली की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी। इसके बाद जैसे ही जीत मिली, सौरभ ने लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े होकर टी शर्ट उतार कर लहरा दी और अंग्रेजों को बता दिया ये सौरभ की टीम है, घर में घुस कर मारती है। हालांकि गांगुली के साथ की रुतबे वाला विवाद आज भी याद किया जाता है और इसकी उस वक्त खूब आलोचना भी हुई थी। ग्रेग चैपल के साथ तनातनी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में ग्रेग चैपल का कार्यकाल काफी विवादों में रहा। सौरभ गांगुली के साथ उनके मतभेद ने भारतीय टीम को बांट दिया था। ग्रेग चैपल कई बार नेट्स पर खिलाड़ियों से उलझ जाते थे और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से। गांगुली और चैपल के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गांगुली को 2005 में भारतीय टीम के कप्तानी पद से हटा दिया गया। यही नहीं, गांगुली को वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मजेदार बात यह है कि गांगुली की सिफारिश पर ही ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का कोच बनाया गया था। गांगुली और चैपल का यह विवाद उस वक्त सुर्खियों में रहा था। अंपायर से लड़ाई। बेशक गांगुली ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को आक्रामक बनाया, लेकिन अपने इसी आक्रामक रवैये के कारण दादा को कई बार पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। एक बार ऐसे ही मैच के दौरान गांगुली अंपायर पर भड़क गए। यह हुआ 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में। जब आउट दिए जाने के बाद गांगुली अंपायर पर इस कदर भड़क गए कि उन पर एक वनडे मैच के लिए पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद साल 2000 में वो एक बार फिर अंपायरों से उलझ गए। इस बार गांगुली पर अंपायरों को धमकाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन पर पाबंदी लगी। लेकिन दादा कहाँ मानने वाले थे। 2001 में श्रीलंका दौरे पर LBW आउट दिए जाने पर वो इतने चिढ़ गए, उन्होंने अंपायर को अपना बल्ला दिखाया और उन्हें मारने का इशारा किया। उन पर फिर से एक वनडे मैच का बैन लगा दिया गया। मतलब सौरभ अपने रुतबे में हमेशा रहे और विवादों से उनका गहरा नाता रहा। ड्रिबल पर भड़कना। गांगुली के ग्रेग चैपल से रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसके बाद राहुल द्रविड़ टीम के कप्तान बने। गांगुली ने तब कहा था, राहुल द्रविड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हर चीज ठीक से चलती रहे। वो जानते थे कि कई चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन उनमें चैपल से ये कहने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद इस मामले पर द्रविड़ ने भी जवाब दिया। द्रविड़ ने कहा, अगर गांगुली कह रहे हैं मैं चैपल को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने भारत के लिए कई सालों तक क्रिकेट खेला है, लेकिन वो अपनी बात मुझसे नहीं कहलवा सकते। अब ऐसे में देश के दो खिलाड़ियों का आपस में लड़ जाना खूब सुर्खियों में रहा था। माइक डेनिस गांगुली विवाद। ये विवाद पूरी भारतीय टीम को लेकर हुआ था। विवाद के केंद्र में थे मैच रेफरी माइक डेनिस। बात साल 2001 पोर्ट एलिजाबेथ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के। इस मैच में भारतीय टीम पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। सचिन तेंदुलकर तक पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लग गया। भारत के कई खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। सौरभ कप्तान थे, उन्होंने हंगामा काट दिया। इस पूरे मामले में अपनी टीम को लेकर वो खुलकर सामने आए। उन्होंने BCCI से टीम को देश वापस आने तक की बात कह डाली। सौरभ माइक डेनिस के इस फैसले पर इतने एग्रेसिव हुए कि उन्होंने अगला टेस्ट मैच खेलने से ही मना कर दिया। शोर शराबे के बीच बवाल बढ़ता देखकर आनन फानन में खिलाड़ियों से बैन हटा लिया गया। हालांकि वीरेंद्र सहवाग पर पाबंदी नहीं हटाई गई थी, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर से बॉल टेम्परिंग का आरोप वापस ले लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में उस वाकियों को गांगुली एंड टीम से आज भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन गांगुली के इस रुतबे भरे बवाल ने क्रिकेट जगत में उस वक्त तहलका मचा दिया था और क्रिकेट के जानकारों ने काफ़ी आलोचना की थी। तो वहीं कई दिग्गजों ने गांगुली के इस तरीके के रवैये का सपोर्ट भी किया था। तो ये थे सौरभ गांगुली के ज़िंदगी से जुड़े हुए बड़े विवाद और दिलचस्प रुतबे वाली कुछ कहानियाँ, जो कि हमेशा दादा के नाम से जुड़ते रहेंगी। आपको हमारा यह स्पेशल सेगमेंट कैसा लगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।